जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में पांच लोग बैठे हैं, चार लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आना जाना चाहता है, बात समझ आई? गाड़ी में पांच लोग, डेमोक्रेसी, चार लोग कहते भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता मैं जा रहा हूं जयपुर, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, तीन चार सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने एक रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनावी नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।